नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं धोनी 2019 का वर्ल्ड कप खेले तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इंडियन टी20 लीग के 25वें मैच में गुरुवार को राजस्थान के 151 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 7 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 28 रन बनाए। अंबाती रायडू 14 और एमएस धोनी 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत निराशाजनक रही। पहले ही ओवर में की चौथी गेंद पर धवल कुलकर्णी ने सलामी बल्लेबाज शेन वाटसन को 0 क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद चेन्नई के स्टार ऑलराउंडर सुरेश रैना 4 रन बनाकर आउट हो गए और मेहमान टीम को दूसरा झटका लगा। यहां से चेन्नई की पारी लड़खड़ा गई। वाटसन और रैना के आउट होने के बाद फाफ डुप्लेसिस भी ज़्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक सके। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर जयदेव नाथकर ने फाफ डुप्लेसिस को 7 रन बनाकर तैनात किया। राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट किया और चेन्नई को तीसरा झटका दिया। फाफ डुप्लेसिस ने आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए केदार जाधव 1 रन को जोफ्रा आचार के बेन स्टोक के हाथों कैच आउट कराया। इससे पहले इंडियन टी20 लीग के 25वें मैच में राजस्थान ने 3 बार चैंपियन चेन्नई के सामने जीत लिया है। 152 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।